जब हम रोज सुबह अपने बिस्तर से उठें तो हम किसी चिंता के साथ में न उठें। अगर चिंता का विचार आए भी हमारे दिमाग में तो हम उसे क्या करें, हटाएं और वहां खुशी का विचार लेके आए, जिससे हमें आनंद मिलता है, जिस विचार से हमें खुशी मिलती है उसको मेडिटेट करें, उस पर मनन करें। रात को सोते समय दिन भर की चिंताओं में लोग परेशान होकर के उन्हें नींद नहीं आती, क्योंकि दिन भर में ऐसे काम हुए हैं, दिन भर में उनके साथ में बुरा हुआ है या फिर अच्छा हुआ है, वो सारी बातों को रात भर क्या करते हैं, सोचते रहते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन कह रहा है सदा आनंदित रहो, चाहे तुम्हारे जीवन में कुछ भी क्यों ना हुआ है, सुबह उठते समय आनंदित रहो, रात को सोते समय आनंदित रहो, दिन भर में आनंदित रहो, दिन भर खुश रहो। पौलुस कह रहा है पहली बात कि सदा खुश रहो, हमेशा तुम्हारे चेहरे से खुशी छलकनी चाहिए। दूसरी बात कह रहा है, कहता है कि निरंतर प्रार्थना करो, दिन भर तुम्हारा मन परमेश्वर पर लगा रहे, चाहे तुम कोई भी काम कर रहे हो। तीसरी बात वो कहता है कि हर बात में परमेश्वर को क्या करो, धन्यवाद करो। हर बात के लिए हमारे जीवन में जो कुछ होता है उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करना है, चाहे हमारी परिस्थितियां अच्छी हों या ना हो, चाहे हम कठिन समय से गुजर रहे हैं, चाहे हम अच्छे समय से गुजर रहे हैं, चाहे हम बीमारी में हैं, चाहे हम सही हैं, चाहे हमारे जीवन में कोई भी परेशानी है, चाहे हमारे जीवन में कोई परेशानी नहीं है, चाहे हम मरने पर हैं या फिर चाहे हम बहुत खुश हैं, सब बातों में प्रभु को क्या करो, धन्यवाद करो। और यहाँ पर हम सब लोग चूक जाते हैं, हम केवल धन्यवाद तब देते हैं जब हम खुश होते हैं, जब हम आनंदित होते हैं, जब हमारे जीवन में सब कुछ ठीक होता है उसी समय हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। परंतु जब हमारे जीवन में कुछ कठिनाइयाँ आ जाती हैं, हमारी परिस्थितियाँ कुछ गड़बड़ हो जाती हैं, हमारी परिस्थितियों मतलब हमारे जीवन में कुछ कठिन समय जब आ जाता है, तब हम परमेश्वर पर कुड़कुड़ाने लग हैं, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा है, प्रभु हमारी तरफ नहीं देख रहा है, आखिर मेरे साथ में ये ऐसा क्यों हुआ, मैं तो प्रभु की सेवा करता हूं, मैं तो रात दिन प्रार्थना करता हूं, मैं तो चर्च भी जाता हूं, दान भी देता हूं, प्रार्थना भी करता हूं, तब आखिर मेरे साथ में ये ऐसा क्यों हुआ। परंतु बाइबल कहती है हर एक बात में तुम्हारे लिए भलाई उत्पन्न होगी उनके लिए जो मसीह से प्रेम रखते हैं। हर बात में, चाहे वो बात अच्छी है हमारे जीवन में, चाहे हमारे जीवन में सब कुछ खराब हो गया, दोनों समय में प्रभु का धन्यवाद करना है। अय्यूब का जब सब कुछ उसके पास था वो तब भी प्रभु का धन्यवाद करता था, और जब सब कुछ उसने खो दिया तब भी वो प्रभु का धन्यवाद करता था। दाऊद जब चरवाह था वो तब भी प्रभु का धन्यवाद करता था, और जब राजा बना तब भी वो प्रभु का धन्यवाद करता था। हर समय जब वो दुख में था तब वो और ज्यादा धन्यवाद किया करता था। लेकिन हम सब लोग भूल जाते हैं, उस समय हम कुड़कुड़ाने लगते हैं जब हमारे जीवन में कुछ कठिन परेशानियां आती हैं, जब विपत्तियां आती हैं, जब बीमारियां आती हैं, दुख आता है या फिर कोई भी परेशानी हमारे जीवन में आती है, तो हम कुड़कुड़ाने लगते हैं, हम प्रभु का धन्यवाद उस समय नहीं देते हैं। परंतु बाइबल कह रही है हर बात में उसका धन्यवाद। साधु सुंदर सिंह को तिब्बत में एक कुएं में डाल दिया गया और कुएं को ऊपर से बंद कर दिया गया, और जो चाबी थी वो उस व्यक्ति के पास थी जो वहां पर हेड था, और साधु सुंदर सिंह कई दिनों तक उस गुफा में या फिर उस गड्ढे में या फिर उस सूखे कुएं में रहे, उन्हें दिन और रात का पता नहीं चला। वो व्यक्ति उस गड्ढे में, उस अंधेरे में पड़ा हुआ जहां से जीने की कोई आशा नहीं है, जब वो मौत की आखिरी सांस ले रहा था तब भी प्रभु का धन्यवाद कर रहा था। वो हर एक परिस्थिति में साधु सुंदर सिंह जब मौत के मुंह पर थे तब भी परमेश्वर का क्या कर रहे थे, धन्यवाद कर रहे थे। उन्होंने परमेश्वर को डिनाई नहीं किया, उन्होंने नहीं कहा, वो कुड़कुड़ाए नहीं, उन्होंने नहीं कहा कि प्रभु मैं तेरी सेवा करते करते इस गड्ढे में लोगों ने मुझे फेंक दिया, अब तो मुझे यहां से बाहर निकाल। परंतु उन्होंने परमेश्वर का धन्यवाद किया कि प्रभु यीशु मैं आपका धन्यवाद करता हूं, मैं जैसी भी परिस्थिति में हूं परंतु मैं आपका धन्यवाद कर रहा हूं। यहां तक कि वो अपनी अंतिम सांसों को उस समय ले रहे थे लेकिन प्रभु का धन्यवाद कर रहे थे।
उन्हें दिन और रात का वहां पता नहीं चला, परंतु हर सुबह हर शाम दिन भर वो मरी हुई हालत में, आधा मरा हुआ इंसान प्रभु की क्या कर रहा था, शुक्रिया अदा कर रहा था, प्रभु को धन्यवाद दे रहा था। और जब उसने धन्यवाद दिया, जब साधु सुंदर सिंह डेली धन्यवाद देते रहे, तो परमेश्वर ने उनके लिए अद्भुत काम को किया। परमेश्वर ने अपना स्वर्गदूत किसी इंसान के रूप में वहां पर भेजा और उस गड्ढे से सुंदर सिंह को बाहर निकाला, जिस ताले की केवल एक ही चाबी थी और वो चाबी उन लोगों के पास थी। और जब सुंदर सिंह गड्ढे से बाहर निकले तो उन्होंने उस व्यक्ति से मुलाकात करनी चाहिए, जिस व्यक्ति ने उन्हें बाहर निकाला, तो उन्हें वो व्यक्ति नहीं मिला, क्योंकि वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह थे जिसने उनका धन्यवाद को सुना और उस परिस्थिति से, उस विपरीत परिस्थिति से, उस कठिन समय से, उस दुख से, उस गड्ढे से उन्होंने स्वयं साधु सुंदर सिंह को वहां से बाहर निकाला। मेरे प्रियो, जब हम लोग कठिन परिस्थितियों में होते हैं, विपरीत परिस्थितियों में होते हैं, दुख बीमारियों में होते हैं, परेशानियों में होते हैं, जब लगता है सब कुछ खत्म होने वाला है, या फिर हम अपने जीवन के अंतिम सांसों में होते हैं, तब भी प्रभु का धन्यवाद करें, तब भी प्रभु का धन्यवाद करें। मैं यूं कहूंगा कि तब ज्यादा प्रभु का धन्यवाद करें, वो आपकी प्रार्थना से ज्यादा आपके धन्यवाद को सुनता है, और धन्यवाद की जब हम उसे भेंट चढ़ाते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अद्भुत कामों को करेगा। और अंतिम पद इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हम सबके लिए प्रभु की एक इच्छा है कि हम दिन रात सुबह शाम उसका धन्यवाद करते रहें, खुश रहें, आनंदित रहें, निरंतर प्रार्थना करें और हर समय प्रभु का धन्यवाद करें। यही हम सबके लिए प्रभु की इच्छा है, चाहे हम कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए जो आज आपने हमारे जीवनों में दिया है। प्रभु विशेषकर प्रभु हम इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, जो कहता है कि सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो और निरंतर प्रभु का धन्यवाद करते रहो, क्योंकि यही तेरी इच्छा है प्रभु। चाहे हम कैसी भी परिस्थिति में रहें प्रभु, परंतु हम आपका धन्यवाद करते रहें, हम आपका धन्यवाद करना न भूलें। जब हम रोज सुबह उठें तो आपका धन्यवाद करें, जब रोज शाम को अपने बिस्तर पर जाएं तो आपका धन्यवाद करें, चाहे हम किसी भी काम में हों, परंतु हम आपका धन्यवाद करते रहें, आत्मा में मन ही मन हम आपका धन्यवाद करते रहें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो विपरीत परिस्थितियों में हैं, कठिन समयों से गुजर रहे हैं, दुख में हैं, परेशानियों में हैं, प्रभु तुझसे प्रार्थना है पिता परमेश्वर, उन्हें उस सामर्थ्य को दे कि वो ऐसे कठिन समय में तुझे धन्यवाद दे सकें प्रभु, और आप उनके धन्यवाद की इन भेंटों को प्रभु आप उन्हें स्वीकार करना प्रभु, और उनकी धन्यवाद की भेंटों का उन्हें उत्तर देना प्रभु, और उन कठिन समयों से, उन कठिन परिस्थितियों से, उन बीमारियों से, उन दुख से, उन परेशानियों से प्रभु आप उन्हें छुड़ा लेना प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।